पाकिस्तान वर्चुअल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट नंबर 1 है और ये क्वेश्चंस जिनका पाक स्टडी 301 है, ये क्वेश्चन इम्तिहानी नुक्ता नज़र से भी उनके काम आ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, डू यू थिंक दैट टू नेशन थ्योरी बिकेम द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे इधर से हवाले भी दिए गए हैं आयात के और ये ट्रांसलेशन है, और इसके अलावा कायद आज़म सैड ऑन मार्च 2 1941, ये पैरा भी आप पढ़ लें और इसको याद करके क्वेश्चन को आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग है ओरिजिन ऑफ टू नेशन थ्योरी इन सब कॉन्टिनेंट, और दूसरा है द प्रोटेक्शन ऑफ इस्लामिक कल्चर एंड वैल्यूज, और भाई परमानंद ये उसके बारे में, उसने जो सैड उसका जो कॉल है ये उस वो बयान किया गया है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एट्रोसिटीज ऑन मुस्लिम्स, कांग्रेस गवर्नमेंट एंड क्रूल्टी फॉर मुस्लिम्स, और इसमें कैद आज़म का कोट है सैयद ज़ाकिर अली यूपी का कोट है, और सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम का एक मुतालबा था, और फिर सेपरेट हिस्ट्री है, और इसके अलावा है द लाहौर रेजोल्यूशन, ये फाइनल है इसका और इसे आप लॉन्ग में लिख सकते हैं। इसके अलावा ये पंजाब यूनिवर्सिटी या इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन, उनके लिए भी हेल्पफुल है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर द सोशो इकोनॉमिक एंड रिलीजियस काजेज बिहाइंड वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जस्टिफाई योर आंसर विद 5 रेलिवेंट पॉइंट्स। सबसे पहले सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं जो पूछे गए हैं, उनमें सोशल काजेज हैं, और उसके बाद है रिलीजियस काजेज, फिर प्रीजूस सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, और इसके अलावा इकोनॉमिक काजेज थी जिनमें मुसलमानों के इस्तेसाल, मिलिट्री ग्रीवेंसेज और एनजाइटी थी, और स्पॉन्टेनियस काज जो है इसका लास्ट टॉपिक है, ये आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें लॉन्ग के लिए, और ये हर तरह के एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली वीयू के लिए, पीयू के लिए और इंग्लिश मीडियम बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये कारामंद है सवाल। इसको याद करके इसको प्रिपेयर कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।